हेलो दोस्तों, मैं फयाद। आप देख रहे हैं इंडिया टेक वीडियोस। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल की मदद से फुल स्क्रीन वीडियो कैसे रिकॉर्ड करेंगे। हालांकि मैंने बहुत सारे वीडियो पहले बना रखे हैं इस पे, फुल स्क्रीन वीडियो कैसे बनाते हैं, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ कमियां थी। लेकिन आज का ये जो वीडियो मैं बताऊंगा, इसमें ये बहुत ईजी होगा और ये बहुत अच्छा तरीका होगा फुल स्क्रीन वीडियो बनाने के लिए। सबसे पहले फुल स्क्रीन वीडियो का मतलब ये होता है कि ऊपर जो मोबाइल के आइकन्स होते हैं वो नजर ना आए, जो राइट साइड में तीन बटन्स होते हैं वो नजर ना आए। अगर ये चीजें नजर नहीं आती तो आपका वीडियो फुल स्क्रीन वीडियो कहलाता है। इस वीडियो को बनाने के लिए आपको तीन चीजें चाहिए, एक नोटपैड चाहिए, एक ड्यू रिकॉर्डर चाहिए और एक काइनमास्टर चाहिए। ये तीन एप्लीकेशन चाहिए और आप फुल स्क्रीन वीडियो बना सकते हो, वो भी मोबाइल की मदद से, बिना किसी कंप्यूटर, बिना किसी लैपटॉप के हेल्प से। इन तीनों को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ लिंक दिया हुआ है, आप क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आज के जो वीडियो में बनाऊंगा उसमें मतलब नया क्या है। देखिए, जब फुल स्क्रीन वीडियो बनाते हैं, जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया है, फुल स्क्रीन जब वीडियो बनाते हैं हम ड्यू रिकॉर्डर से क्रॉप कर लेते हैं, चीजों को हटा देते हैं, ऊपर की चीजों को और साइड की चीजों को। उसके बाद जब हम उस वीडियो को अपलोड करते हैं तो वहां ऊपर काली पट्टी दिखती है। यूट्यूब के अंदर एक ऊपर काली पट्टी दिखती है, एक नीचे काली पट्टी दिखती है। तो सपोज कीजिए कि अगर हम वीडियो के पूरे बैकग्राउंड को ब्लैक कर दें तो काली पट्टियां भी छुप जाएंगी और वीडियो फुल स्क्रीन नजर आएगा। तो ये मेरे एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझसे सवाल पूछा था कि सर ये ब्लैक बैकग्राउंड से वीडियो कैसे बनाए। तो मैंने ये तरीका खोज लिया है कि ब्लैक बैकग्राउंड से वीडियो कैसे बनाए। तो आप तीन चीजें डाउनलोड करनी पड़ेंगी आपको, ड्यू रिकॉर्डर, काइन मास्टर और एक एप्लीकेशन जो होगा नोटपैड का। ये डाउनलोड कर लीजिए और फिर वीडियो को फुल स्क्रीन मोड में आप बना सकते हैं, वो भी सिर्फ एक मिनट के अंदर। तो चलिए मैं आपको तरीका बताता हूँ, वीडियो शुरू करते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे बहुत सारे वीडियोस मैं और बनाने वाला हूँ जो आपको बहुत फायदा पहुंचाएंगे अगर आप एक नए यूट्यूबर है तो, या फिर अगर आप मोबाइल से यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ज्यादातर वीडियोस बनाने का तरीका मोबाइल से ही बताता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम आ गए मोबाइल स्क्रीन पे, अब हम चलिए आपको दिखाते हैं कि वीडियो कैसे बनानी है। ठीक है, सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है नोटपैड, ब्लैक पेपर नोटपैड। ठीक है, इसे डाउनलोड करने के लिए या तो आप गूगल प्ले में जाकर सर्च कर लीजिए या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक है उसे क्लिक करिए। आप जब उसे क्लिक करेंगे तो आप एक वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे, जैसा कि अभी आप मोबाइल के स्क्रीन पर देख रहे हैं, हिंदी में वेबसाइट। यहाँ पे मोबाइल के लिए नोटपैड क्या है कि जानकारी नाम का एक पोस्ट है। आप इसको स्क्रॉल करेंगे, सबसे नीचे जाएंगे। देखिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा वीडियो, आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बाद में ये मत कहिएगा कि सर ये समझ में नहीं आया। तो ये देखिए, यहाँ सबसे नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, क्लिक हेयर फॉर डाउनलोड। आपको सिंपली इसे क्लिक कर देना है। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो आप सीधा प्ले स्टोर पर पहुँच जाएंगे। यहाँ देखिए प्ले स्टोर पर आ गए, यहाँ पर लिखा है ब्लैक पेपर, ये एप्लीकेशन है जिसे मैंने डाउनलोड कराया, मैंने कर रखा है। देखिए यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ रहा है, यानी मैंने इसे डाउनलोड कर रखा है अपने मोबाइल में। तो आप इसे यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा तो उसे क्लिक करके अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद से इसे इंस्टॉल कर लें। अब हो गई आपकी ये मोबाइल में इंस्टॉल। अब हम इसमें कैसे वीडियो बनाएंगे उसका तरीका चलिए मैं बताता हूँ कि वीडियो कैसे बनाएंगे। ये तो डाउनलोड हो गया, अब वीडियो कैसे बनाएंगे। वीडियो बनाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली ओपन करना है। देखिए जब आप ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सवाल जवाब दिख रहे हैं, यानी कि मैंने इसमें आप चाहे तो इसमें अपने सवाल जवाब लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। आप सवाल जवाब लिखना चाहें सवाल जवाब लिख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने सवाल जवाब लिख रखे हैं। तो अब क्या करना है, अब आपको वीडियो बनाना है। वीडियो कैसे बनाते हैं आपको पता है, ड्यू रिकॉर्डर को ओपन करना है और फिर अपनी कमेंट्री करनी है और अपने वीडियो को प्ले करना है। एक चीज़ मैं और बता दूँ, जब आप इसमें सवाल जवाब लिखेंगे तो दो सवाल जवाब के बीच में ये ना पाँच लाइन या छः लाइन का गैप रखेंगे। आप देख सकते हैं दोनों के बीच में गैप है, हर सवाल जवाब के बीच में गैप है, यहाँ भी देखिए गैप है। तो आपको भी अपने सवाल जवाब के बीच में गैप रखना है ताकि आपके स्क्रीन पे एक समय में सिर्फ एक ही सवाल आ सके। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए हम एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसे एडिट करते हैं, फिर मैं दिखाता हूँ कि उसको कैसे आपको फुल स्क्रीन बनाना है। तो हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। फादर ऑफ ज्योमेट्री किसे माना जाता है, इसका सही सवाल है सही जवाब है पाइथागोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियम की खोज किसने की थी, मैडम क्यूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉल पॉइंट कलम किसने बनाया था, बीरो ब्रदर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव सेवा पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है, राजीव गांधी। तो ये हमारा वीडियो बन गया। आप देख सकते हैं इस वीडियो में एक बार में सिर्फ एक ही सवाल दिखता है, दूसरा सवाल नज़र नहीं आता है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें आपको ये चीज़ भी रिकॉर्ड होते हुए दिख जाएगी, ये जो मोबाइल के आइकन है, ये टाइम है और ये तीन जो बटन से मोबाइल की, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं। तो ये हमारा वीडियो रिकॉर्ड हो गया। अब चलिए हम इसे एडिट करते हैं। मान लीजिए कि आपने अपने 50 सवाल की वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, अब स्टॉप करना और एडिट करना। कैसे एडिट करते हैं, तो सबसे पहले हम इस वीडियो को स्टॉप कर लेंगे।
ये देखिए ड्यू रिकॉर्डर हमने बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया। स्टॉप करने के बाद से ये कुछ ऐसा आ जाता है, रिकॉर्डिंग इज़ फिनिश्ड, और ये छोटा सा विंडो आ जाता है। यहाँ पे तीन ऑप्शन होते हैं, शेयर का, एडिट का, डिलीट का। तो हमें यहाँ एडिट का ऑप्शन क्लिक करना है। ये देखिए एडिट का ऑप्शन क्लिक किए, अब ये तो मोबाइल घूम गया भाई, आप भी थोड़ा सा तकलीफ़ कर लीजिएगा। एडिट का ऑप्शन क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूंगा, यहाँ पर ये ड्यू रिकॉर्डर लिखा आता है, इसके सामने एक छोटा सा कट का निशान है, इस कट के निशान को क्लिक कर दीजिए ताकि ये वाटर मार्क हट जाए। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर क्रॉप के ऑप्शन को, ये देखिए ये क्रॉप का ऑप्शन है, इसे क्लिक करना है। ये देखिए क्रॉप के ऑप्शन को मैंने क्लिक किया और यहाँ से आपको वीडियो क्रॉप कर लेना है। ये देखिए ये साइड से हटा देना है और ये ऊपर से हटा देना है, ये इतनी चीज़ों को हटा देना है। और यहाँ पे जो है ये राइट का जो टिक है इसे क्लिक कर देना है। ये देखिए हमने टिक क्लिक कर दिया और ये हमारा वीडियो जो है अब क्रॉप होना शुरू होगा, लेकिन उसके पहले आपको ऊपर सेव बटन को दबाना होगा। यहाँ पे देखिए ऊपर सेव बटन लिखा है, इसे दबाना होगा। उसके पहले आप चाहे तो यहाँ से प्ले करके प्रीव्यू देख सकते हैं कि वीडियो कैसा लग रहा है, तो हम सीधा सीधा सेव कर देंगे, हमें नहीं देखना है। और ये देखिए यहाँ पे ये जो घड़ी चल रहा है ये आपके वीडियो के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा। छोटा वीडियो तो ये जल्दी पूरा हो जाएगा, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए हो रहा है, ये होने के बाद से क्या करेंगे, ये वीडियो जो है कंप्लीट हो जाएगा, ये सेव हो जाएगा, आपके मोबाइल गैलरी में सेव हो जाएगा। उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या करना है। इसके बाद का स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को छोड़िएगा मत, पूरा जरूर देखिएगा। ये देखिए ये यहाँ वीडियो आ गया, अगर आप यहीं से आप इसको शेयर कर दें, अगर आप यहीं से ये यूट्यूब को शेयर कर दें, यहाँ पे देखिए शेयर का ऑप्शन है, अगर आप यहीं से इसको यूट्यूब पर शेयर कर देते हैं तो इसमें दिक्कत ये है कि ये इसमें एंड स्क्रीन नहीं लगेगा, यानी कि अगर आप वीडियो में एंड स्क्रीन लगाना चाहते हैं तो नहीं लगेगा, क्योंकि 16:9 के रेशियो से कम हो जाएगा। तो अगर आपको एंड स्क्रीन अपने वीडियो में नहीं लगाना है तो आप सीधा यहाँ से शेयर कर सकते हैं, यूट्यूब बटन क्लिक करिएगा, ये अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन अगर आप अपने वीडियो में एंड स्क्रीन लगाना चाहते हैं तो अब आपको क्या करना होगा, अपने मोबाइल में काइन मास्टर ओपन करना होगा। तो चलिए मैं काइन मास्टर ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए काइन मास्टर ओपन, ये देखिए काइन मास्टर ओपन हो गया। यहाँ पे यहाँ प्लस का जो आइकन है इसे सिंपली क्लिक करना है, आपको इस प्लस के आइकन क्लिक करना है। यहाँ पे 69 का रेशियो को लेना है, ये देखिए ले लिया मैंने। लेने के बाद से यहाँ पे देखिए मीडिया का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे मीडिया का ऑप्शन है, सिंपली इसे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे वीडियो एडिट का ऑप्शन आएगा पहला, और यहाँ से वीडियो एडिट का जो पहला ये है इसे ले लेंगे। ये हमारा वीडियो है, ये देखिए ये हमारे आ गया कहाँ, ये हमारे मोबाइल के टाइमलाइन में आ गया। अब देखिए मैं प्ले करके अगर दिखाऊं तो ये देखिए ये वीडियो चल रहा है, यहाँ पे आपको ना ऊपर कुछ दिख रहा है ना नीचे कुछ दिख रहा है, ऊपर भी ब्लैक नीचे भी ब्लैक, यहाँ भी ब्लैक दिख रहा है, यहाँ भी ब्लैक दिख रहा है, यहाँ भी कुछ नहीं है, यानी वीडियो फुल स्क्रीन मोड में। आपको अगर इसमें कुछ एडिटिंग करना है, यहाँ पर कुछ लगाना है एनिमेशन वगैरह कुछ लगाना है तो लगा सकते हैं। अगर आपको यहाँ कुछ नहीं लगाना है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली यहाँ पर शेयर बटन, ये देखिए यहाँ शेयर का आइकन है, इसे सिंपली क्लिक करिए, शेयर का आइकन क्लिक करिए। यहाँ पे ये 1080 या 720p दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करिए, यहाँ पे 30 सेलेक्ट होना चाहिए, इस बात को छेड़छाड़ मत करिए, जैसा है रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ नीचे एक्सपोर्ट का बटन आएगा, सिंपली इस एक्सपोर्ट के बटन क्लिक कर दीजिए। ये प्रोसेस शुरू हो गया, वीडियो की लंबाई के ऊपर, वीडियो के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा। छोटा वीडियो जल्दी हो जाएगा, बड़ा वीडियो बहुत टाइम ले सकता है, 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा भी ले सकता है। तो आप इस वीडियो को काइन मास्टर से एक बार सिर्फ इसलिए लेके आएंगे ताकि इसका साइज़ 16:9 का हो जाए, ताकि आपके वीडियो में एंड स्क्रीन लग सके, सिर्फ इसलिए। आपको अगर कोई एडिटिंग करनी है तो करिए, नहीं करनी तो मत करिए, सिर्फ अपलोड करिए और यहाँ से एक्सपोर्ट करिए और ये 16:9 के रेशियो में आ जाएगा। उसके बाद जब आप इसे डाउनलोड कर, जब आप इसे अपलोड करेंगे तो ये फुल स्क्रीन मोड में नज़र आएगा आपके यूट्यूब चैनल पर। ये देखिए यहाँ लगभग एक्सपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट होने के बाद से यहाँ पे मैं बता दूँ ये यहाँ पे आ जाता है, ये देखिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे प्ले का ऑप्शन है, यहाँ पे शेयर है, यहाँ डिलीट है, तीन ऑप्शन है। यहाँ से आप प्ले करके इसको देख सकते हैं कि ये फुल स्क्रीन मोड में कैसा लगेगा। ये देखिए मैंने मैक्स प्लेयर ओपन किया और ये देख लेते हैं कि ये फुल स्क्रीन मोड में कैसा दिख रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं ये दिख रहा है फुल स्क्रीन में है, यहाँ कुछ नहीं है, ऊपर भी कुछ नहीं है, नीचे भी कुछ नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं है। आप ये पूरी वीडियो को देखिए, फुल स्क्रीन मोड में चल रहा है ये वीडियो। तो इस तरह से आप यहाँ पे बहुत आसानी से आप कोई सा भी वीडियो बना सकते हैं फुल स्क्रीन में मोड में, जहाँ ऊपर नीचे कुछ नहीं हो, आपकी वीडियो बहुत सुंदर दिखेगी, बहुत बढ़िया दिखेगी, ब्लैक ब्लैक बैकग्राउंड के साथ ये वाइट वीडियो। तो इस तरह से ये वीडियो आपने देखा, मुझे लगता है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। और देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, जब एक्सपोर्ट हो गया और आप इसको यूट्यूब पे अपलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से शेयर बटन को दबा के अपलोड कर सकते हैं। शेयर बटन दबाएंगे तो ये देखिए ऑप्शन आ गया, यहाँ से ये यूट्यूब का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो ये यूट्यूब पे अपलोड के लिए रेडी है। या फिर आप चाहें तो मोबाइल या गैलरी से भी जाके इसे अपलोड कर सकते हैं, आपकी गैलरी में भी ये सेव हो गया। गैलरी में एक्सपोर्ट के बाद गैलरी में सेव हो जाता है, अगर जब आप इस एक्सपोर्ट बटन दबा देते हैं इसके बाद ही कोई वीडियो गैलरी में सेव होता है, तो ये आपकी गैलरी में सेव हो गया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। इससे जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है, मेरे पास टेलीग्राम का ग्रुप है, उसका लिंक भी इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। और आपको कुछ भी हेल्प चाहिए इस वीडियो से रिलेटेड, कोई सवाल हो, कुछ भी हो, आप मुझे कमेंट करके पूछें, मेल करें, मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट करें, मैं हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूँ, कईयों को दे देता हूँ, कईयों को नहीं भी दे पाता हूँ। तो मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।